गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी खेत के अंदर गेहूँ निकलवाएंगे कंबाइन से, और अभी पड़ोसियों की लगी हुई है, और पहले गेहूँ चेक करवाएंगे कि यदि सही है, गेहूँ निकालने के लायक है तो निकाल देंगे, नहीं तो एक दो दिन आगे करवाएंगे। और अभी पड़ोस में चल रही है कंबाइन, अभी आपको दिखा देता हूँ दूर से। वो चल रही है जी कंबाइन उस साइड, और कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ अपना खुद का गेहूँ है ये निकालेगी, उस टाइम मैं इसका वीडियो बना लूँगा। अभी आपको जूम करके दिखाया है वीडियो मैंने, और यहाँ पर लगेगी कंबाइन अपने खेत में, तब मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बना के दिखा दूंगा। जिन्होंने नहीं देखी इसको कंबाइन को कि गेहूँ कैसे निकालते हैं, जो शहर के लोग हैं या फॉरेन के अंदर रहते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, एक दो देखते हैं बाहर से भी, तो उनको भी दिखा दिया जाएगा इंडियन फार्मिंग और भारत के अंदर कैसे कंबाइन से गेहूँ निकालते हैं। फ़ौरन के अंदर तो इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कंबाइन से भी, तो वीडियो बनाते हैं आगे जब हमारे यहाँ गेहूँ काटने आएगी कंबाइन खुद के खेत में, तब। गेहूँ पक के तैयार हो चुका है सभी का, और काफ़ी बारिश आने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है गेहूँ के अंदर, और ये किसान का सोना है, देखो पूरा गोल्डन गोल्डन लग रहा है। कंबाइन लगा दिया अपने खेत के अंदर, गोल्डन निकाल रहे हैं खाने के लिए। जट दे पल्ले तीन करनाला निपजेगी ताला लैनी। लो भी इंडिया के अंदर ऐसे निकालते हैं अभी गेहूँ, फॉरेन के अंदर तो इससे बड़ी कंबाइन होती है, काफी एरिया कवर कर लेती है। तो अभी कड़क निकाल लिया अभी, और ये पेसिंग ड्राइवर बने हुए हैं आज। निकालने के बाद कुछ इस तरह का मटेरियल निकलता है कंबाइन में से, और इस मटेरियल का यूज तूड़ी बनाने में किया जाता है, और हमारी भाषा में तूड़ी बोलते हैं, और आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते होंगे, किसी की अलग अलग जैसे एरिया के हिसाब से लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और मेरे यहाँ इसको तूड़ी बोलते हैं। और इस तूड़ी को पशुओं को डालने में यूज किया जाएगा, ग्रास के साथ, जो ग्रीन ग्रास होता है उसके साथ तूड़ी डाली जाती है, पशुओं को खाने के लिए यूज की जाएगी इस वेस्ट मटेरियल का। और इसमें से गेहूँ निकाल लिया गया है अभी, और बिल्कुल सूखा है ये, इसके लिए अलग से मशीन लगाई जाएगी, वो भी हम दिखा देंगे। अभी आ चुके हैं फाइनली घर पे, कनक वगैरह निकाल लिया गेहूँ और घर पे भी ले आया गेहूँ, और अभी एक चीज़ नोट किया मैंने, आपको अभी दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, यहाँ पर चींटियाँ अनाज लेके जा रही है, ये दुकानदार के यहाँ होता तो वो यहाँ पर कीटनाशक दवाई या जो चाक आता है वो लगा के यहाँ पर इनको मारने की कोशिश करता, और इनका मारने का हल नहीं है फ्रेंड। इनको यहाँ पर इनका जो घर है मेन हॉल, ये देखो ये रहा, ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं अनाज, तो इनके यहाँ पर आप दुकानदार वाले जो भी है वो यहाँ पर इनके अनाज डाल देंगे, तो ये वहाँ पर अनाज लेने नहीं जाएंगे, और किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। ये देखो अनाज लेके आ रही है वहाँ से, ये देखो नहा लिए जी, और नहाने के बाद अभी फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, और अभी गर्मी आ चुकी है, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि पक्षियों के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे भी अपने आसपास, क्योंकि तो उनको भी प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आपको भी बताएं, और चींटियों को अनाज वगैरह डाल दिया करो। लोग को यहीं करते हैं द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल बेल बटन दबा के ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।